हाय फ्रेंड्स, चले आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सादा प्लाजो पैंट बनाना। तो ये सब सीखेंगे आज अपन पेपर से ही। और इसके लिए देखिए, मैंने दो पेपर लिए हैं जो कि दो दो पेज के हैं, तो उसका मतलब चार पेज है। तो इसको आप एक ही समझ लीजिए, कपड़े का लेंथ समझ लीजिए पूरा लंबा। और ये अपन ने देखिए इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लिया है, एक के ऊपर एक रख लिया, तो इसका मतलब डबल फोल्ड हो गया है कपड़ा। और फिर इसका एक और फोल्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने कितने चार फोल्ड में। तो देखिए ये चार तय में हो गया है पूरा। और देखिए अब इसको रखने के बाद अपन क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले अपन देखेंगे लेंथ कितनी है, उसके हिसाब से अपन इसका नाप लेंगे। तो अपन ने अभी इसकी लेंथ देख ली है, जैसे आपकी लंबाई है उसी हिसाब से आप इसकी लेंथ देख लीजिए। और नीचे जो मोहरी के लिए फोल्ड करते हैं उस पर अपन एक इंच पर निशान लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से सीधा कर लेंगे और ऊपर की तरफ अपन अब निशान लगाएंगे जो कि है इलास्टिक के लिए। इलास्टिक जब डालते हैं ना वहाँ पे, उसके लिए अपन लगाएंगे 2 इंच पर निशान। देखिए इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लिया और स्केल से अपन को इसको सीधा कर लेना है। सीधा देखिए इस तरह से, इससे क्या होता है कि आपकी बिल्कुल सीधी लाइन खींचेगी। अगर आप ऐसे खींचोगे, क्योंकि अभी नए नए हो तो उतना अच्छा हाथ नहीं सकता है और अच्छे से लाइंस नहीं बना पाते हैं, तो स्केल की सहायता से आप बना सकते हैं। और अब अपन कमर का नाप लेंगे। कैसे लेंगे, जो हमारे हिप्स का नाप होता है उसका चौथा हिस्सा अपन को यहाँ पर लेना पड़ता है। और जैसे कि अपना कमर का नाप जैसे 30 है, तो सॉरी हिप्स का 30 है, तो उधर अपन को 4 इंच लूज रख करके उसमें 4 और जोड़ना है, तो 30 और 4 34 इंच होगा। 34 का चौथा भाग निकालना है, तो वो निकाल करके फिर अपन कमर का नाप लगाते हैं। तो अभी देखिए मैं पेपर पे बना रही हूँ, तो अपन मान लीजिए इसका नाप है 24 इंच समझ लीजिए आप। तो 24 का चौथा हिस्सा कितना हुआ, 6 इंच, और इसमें अपन 2 इंच लूज इंच जोड़ देते हैं। ठीक है, अभी पेपर पे बना रहे हैं इसीलिए। तो इसका 6 इंच देखिए ये निकला है और 2 इंच ये बढ़ा देते हैं, तो कितना 8 इंच हो गया। तो अपन यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और जो अपन ने यहाँ पर निशान लगाया वो इसके यहाँ पर भी अपन निशान लगाएंगे नीचे की तरफ 8 पर। और फिर 1 इंच अपन इसकी एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, तो 8 और 1 9 इंच हो गया। और इस तरफ अपन को बढ़ाना है 2 इंच बढ़ाना है। और इसको देखिए सीधा कर देते हैं इधर से, यहाँ से देखिए इस तरह से सीधा कर दिया। और इसको भी अपन सीधा कर देंगे इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पर अपन ने 2 इंच पर निशान लगाया था, तो इस 2 इंच पर निशान लगाने के बाद अपन लास्ट में नापेंगे तो कितना हो रहा है यहाँ पर 12 इंच, तो 12 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो और इसको अपन को सेप देकर इसको जॉइंट करना है। तो देखिए इस तरह से इस पर सेप दे देंगे इस तरह से, थोड़ा सा क्रॉस में जाएगा ऐसे गुलाई में, थोड़ा सा हल्का सा गुलाई में इस तरह से चला जाएगा ऐसे। देखिए इस तरह से इसको अपन कर देंगे और फिर अपन इसकी जो यहाँ पर है ना, इसकी गुलाई देनी है। देखिए इस तरह से इसकी गुलाई दे देंगे। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि जब अपना कोई लंबाई जैसे रहती है ना, तो कम पड़ जाता है कपड़ा, लंबाई ज़्यादा है तो ये कम पड़ जाता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो कपड़ा है ना यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, जो कपड़ा यहाँ बचता है अपना उसको यहाँ पर अपन बेल्ट की जगह पर उसको जॉइंट कर देंगे, तो आपकी लंबाई परफेक्ट निकल आएगी। अगर कम पड़ता है, अगर सही है तो कोई बात नहीं। चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। देखिए जहाँ पर निशान लगाया है उसी तरह से इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। बस इसकी यही कटिंग होती है और कहीं कोई कटिंग नहीं होती है। सादा प्लाजो पैंट है, इसको बहुत आसान है सीखना और बहुत जल्दी बन जाता है। तो इस तरह से देखिए बना करके इसको, देखिए यहाँ पर निशान की जगह पर अपन थोड़ा सा कट लगा लेंगे, जिससे कि अपन को पता चले कि ये इलास्टिक का है, ये यहाँ पर अपन को फोल्ड करना है। तो ये देखिए बन निकल आया है काट करके, ये देखिए इस तरह से। और चलिए अब अपन इसकी देख लेते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि ये अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको घेर किया है, नीचे थोड़ा चौड़ा रखा हुआ है। अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से देखिए इस तरह से इसको सीधा कर दीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर कम हो जाएगा। और चलिए अब अपन अब करेंगे इसकी सिलाई। तो सिलाई के लिए ले लेंगे अपन सुई धागा। सुई धागे से अपन को सिलना है, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सुई धागे से ही सिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत आसानी से और सरल तरीके से सीख सकें, तो इसीलिए मैं सुई धागे से बता रही हूँ। अभी अपन को देखो, अब
इसकी सिलाई करनी है। सिलाई देखिए कहाँ से करनी है, दोनों पैंट की जो नीचे का हिस्सा होता है ना मोहरी, वहाँ से सिलते जाना है। कहाँ तक देखिए मैं बता रही हूँ आपको, सिल करके दिखाती हूँ आपको। पूरा नहीं सिल देना है कि ऊपर तक आप सिल दो, देखिए यहाँ तक अपन को, देखिए यहाँ तक सिलना है। और इसको भी मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ, ये वाला देखो दोनों सिल गए हैं। और सिलने के बाद देखिए अब अपन को क्या करना है, ये जो है ना इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इस पर सिलाई करनी है। तो इसके लिए आप लोग जानते ही हैं कि बस इसको मोड़ दीजिए और बस फिर निकाल लीजिए, क्योंकि पेपर को लूज हो जाएगा तो आपकी आसानी से ये पलट जाएगा। देखिए इस तरह से इसके ऐसे बना लेंगे और दबाते हुए इसकी पूरी अच्छे से ऐसे बना लेंगे। देखिए इस तरह से इसकी बना लिया मैंने, और अब ऐसे दूसरी की भी बना लेंगे। देखिए इसका भी इसको वही प्रोसेस है दोनों का, दोनों को बस इस तरह से मोड़ करके पेपर को बस ऐसे ऐसे करके दोनों की देखिए बन गई है। और फिर कर देंगे इन दोनों पर सिलाई। तो देखिए मैं अब सिलाई करके दिखा देती हूँ, देखिए ये लो सिलाई भी हो गई है। और अब देखिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसको जॉइंट कैसे करना है। देखिए इस तरह से मत रख देना कि दोनों को रखा और सिल दिया। सिलना कैसे है, एक को मतलब उल्टा रखेंगे और एक को सीधा रखेंगे। देखिए इस तरह से इसको सीधा कर लेते हैं अपन। सीधा करने के बाद देखिए अच्छे से इसको पूरा निकाल लेंगे, धीरे धीरे निकालना, नहीं तो पेपर फाड़ लो, जल्दी मत करना, थोड़ा आराम से करना। और इस तरह से देखिए इसको निकाल करके थोड़ा से दबा देंगे तो अच्छे से ये परफेक्ट हो जाएगा। फिर इसके अपन को जैसा वो है वैसे ही इसको अंदर डाल देना है इसके, ऐसे देखिए यहाँ से पकड़ करके थोड़ा खींच लेंगे। और इसको जहाँ पे अपन ने सिलाई लगाई है दोनों सिलाई से सिलाई इसकी जोड़ देना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इस तरह से दोनों सिलाई को अच्छे से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फिर अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से इसको रख देंगे पूरा। और फिर यहाँ से अपन सिलाई शुरू करेंगे ऊपर की तरफ से, जहाँ पर इलास्टिक का निशान लगा था ना वहाँ से करना है, पूरा ऊपर से नहीं सिलाई करनी है। इलास्टिक का जो निशान है वहाँ अपन छोड़ देंगे, और 2 इंच छोड़ने के बाद फिर अपन यहाँ से सिलाई करेंगे। पूरी नीचे तक करते जाना है, यहाँ पर जहाँ पर अपन ने वो पैर की सिलाई की है ना उसकी, वहाँ तक करते जाना है। और ये देखिए यहाँ तक करने के बाद अपन को क्या करना है, इसको गुलाई में यहाँ पर सिलाई कर देनी है। ऐसे ही जैसे वो कटिंग हुई है वैसे ही अपन को घुमाते हुए इसकी सिलाई करना है। और यहाँ पर आप एक काम करना, यहाँ पर क्या करना, 2 से 3 सिलाई डाल देना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फट मतलब ताका जो सिलाई है ना वो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा पक्का सिलाई करेंगे तो जल्दी नहीं टूटेंगे। और बस यहाँ से यहाँ तक इसको सिल लेंगे, और फिर इसको देखिए फिर से इसको ऐसे करके फिर निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से निकालते जाएंगे अपन। देखिए मैं आपको पूरा निकाल के दिखा देती हूँ, देखिए ये लीजिए, और ये यहाँ से इसको भी निकाल लेंगे। इसको थोड़ा अच्छे आराम से निकालना, नहीं तो क्या पेपर देखो फट जाता है, इसीलिए इसको बहुत आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको निकाल करके ऐसे करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाना, क्योंकि इससे आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना कि कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कैसा बनाया और आपसे कैसा बना है, तो ये बात ज़रूर बताना मुझे। और ये देखिए बनकर के तैयार है, बस इसकी इलास्टिक रह गई है, तो इसको देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे अंदर और बस इसमें इलास्टिक लगा देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये देखिए बन करके तैयार है अपना प्लाजो पैंट सादा, बस इसको फोल्ड कर देंगे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय बाय।